हिमाचल में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3-4 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन की लोगों से अपील, नदी नालों के पास जाने से बचे लोग। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि नदी नालों से बचकर रहें लोग और नदी नालों के पास ना जाएं, ताकि किसी अनहोनी से और हादसों से बचा जा सके। तो बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3-4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल समेत हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बरसात को लेकर हिमाचल प्रदेश में। और इस बीच प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि नदी नालों के पास जाने से बचें लोग, ताकि हादसों से बचा जा सके, अनहोनी से बचा जा सके। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया हिमाचल में, साथ ही हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया गया। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, मौसम को लेकर हालात संवेदनशील थोड़ा नजर आ रहा है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है बरसात के बाद हिमाचल में, और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि लोग नदी नालों के पास जाने से बचें। और लाहौल स्पीति से मेरे सहयोगी प्रेमलाल मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। प्रेमलाल, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया बरसात को लेकर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में, अभी बताइए क्या हालात हैं, कैसा मौसम है, क्या कहना है मौसम विभाग का? जी बिल्कुल, जो मौसम विज्ञान केंद्र जो शिमला द्वारा 28 तारीख से लेकर 2 जुलाई तक के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया गया था, और इसके साथ साथ जो जिला प्रशासन ने भी इसको देखते हुए जो ज्ञातन कदम उठाते हुए एडवाइजरी जारी की थी। तो इसका मुख्य वजह यह रही कि पिछले साल क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर त्रासदी देखने को मिली थी, लाहौल स्पीति में भी अछूता नहीं रहा था, क्योंकि जो चंद्रताल का इलाका है वहाँ पर बर्फ पड़ गई थी और आवाजाही में दिक्कतें आ गई थी, कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप हो गए थे। इसके साथ साथ लाहौल के कई ब्रिजेज भी चले गए थे और सड़कों पर अवरुद्ध होने के चलते जो है जो सैलानी है और उसके साथ साथ जो स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसी को देखते हुए इस बार जो है जिला प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में है, और हाल ही में ही उपायुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है ये जो अपने जो एहतियातन कदम उठाने के लिए जो तैयारियों को लेकर जो है प्रेस वार्ता भी की है, उसको लेकर जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। हालांकि जो है मौसम अभी यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और मौसम की संभावना तो बनी हुई है जिस प्रकार से मौसम विभाग के अंदर ने संभावना जताई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा जिस प्रकार से यहाँ पर जो गर्मी बढ़ी है, इसके चलते जो है यहाँ के जितने भी जो प्राकृतिक स्रोत है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल कर नदी नालों में आ रहे हैं, और इससे जल स्तर जो है काफी बढ़ गया है। इसके चलते जो है प्रशासन भी लगातार जो है लोगों को आगाह कर रहा है कि वे नदी नालों के आसपास ना जाए, क्योंकि जो है शाम के समय जो है पानी का बहाव जो है राजीव इंतजाम क्या तो कल ही जो माफ कीजिए प्रेमलाल, इंतजाम क्या किए गए हैं इस मौसम को देखते हुए? आपने बताया कि तापमान में काफी ज्यादा गिरावट तो दर्ज हो गई है, लेकिन अलर्ट भी जारी किया गया प्रशासन की तरफ से, तो तैयारियां क्या की गई हैं बरसात को देखते हुए, मानसून को देखते हुए? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले साल के अनुभव के आधार पर जो है जिला प्रशासन ने इस बार जो एहतियात
कदम उठाए हैं, इसमें जो है मुख्य तौर पे जो लाहौर के जितने भी जो संभावित जहां पर बाढ़ की संभावना रहती है और जहां पर भूस्खलन का लगातार जो है खतरा बना रहता है, वहां पर जो है पहले से ही जो जो एहतियातन कदम उठाने हैं डीडीएम ने द्वारा, वहां पर जो है अपने जो सामान है इक्विपमेंट है वो पहुंचा देते हैं। खासकर जो बॉक्सर से लेकर जो काजा की तरफ जो चंद्रताल की तरफ जहां पर जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी लगभग शून्य रहती है, वहां पर जो है जिला प्रशासन ने इस बार सेटेलाइट फोन की सुविधा देने की जो है बात की गई है। उसके साथ साथ वहां पर जो है इस बार स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स को भी तैनात करने की बात की जाए, उसको जो है मनाली के साथ साथ लाहौल में भी ये जो फोर्स है वो जो आपदा के दौरान जो है पूरी तरह से निगरानी रखेगी और इसके साथ ये जो है आपदा के दौरान। ठीक है प्रेमलाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, बेहद शुक्रिया आपका। और हम अब रुख करेंगे अपने सहयोगी मनोज धीमान का। मनोज, आप हिमाचल में किस जगह मौजूद हैं, यहाँ मौसम का मिजाज क्या है, मौसम विभाग क्या कहता है, क्या ताकीद की गई है लोगों को, क्या अपील की गई है? बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह से प्री मानसून आने की जो बात कही गई थी वो बिल्कुल सटीक बैठी है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब हुआ है तो कई हिस्सों में जो है वो बारिश हो रही है और बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में मुमताज, जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं उनसे जिला प्रशासन ने अपील की है कि वो नदी नालों के बीच में ना जाएं और अपनी जान को जोखिम में ना डालें। ऐसे में जो बेहतर तैयारियां जो हैं वो जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं, यानी कि जो अगर कोई आपदा आती है तो उससे उसके लिए सारी मशीनरी को संबंधित विभागों को जो है वो अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। NDRF और SDRF की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही साथ अगर कोई बड़ी आपदा आती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे पहले जिला प्रशासन ने अपील की है कि कंट्रोल रूम में फ़ोन किया जाए या जिला प्रशासन को सूचित किया जाए ताकि उस घटना से बचा जा सके या कुछ अब होता है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसका रेस्क्यू किया जा सके। जैसे कि आज मुमताज सुबह ही जो है कुछ यात्री जो है जो श्रद्धालु बाहर से आए थे वो बनेर खड्ड में नहाने उतर गए और वहां पर फंस गए थे, जिसके बाद अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो बीचों बीच पानी के फंस गए, जिसके बाद पुलिस द्वारा उनको रेस्क्यू किया गया है। 10 से 15 लोग जो है वो बीच में फंसे हुए थे और सभी जैसे जलस्तर बढ़ता गया घटता गया बाहर निकल आए और जो 6 लोग थे वो काफ़ी गहरे पानी में जाकर के फंस गए थे, जिनको पुलिस ने मौके से निकाल लिया है, यानी कि सभी लोग जो हैं सुरक्षित हैं। तो आने वाले वक्त में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनको नदी नालों के पास जाने के लिए सख्त हिदायत दे दी गई है और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो अब जिला प्रशासन उसको जुर्माना भी लगा सकता है। तो ऐसे में देखिए बरसात का मौसम कहा जा सकता है कि अब उसकी शुरुआत हो चुकी है और सभी लोगों को एहतियात बरतने की बात भी कही जाती है। फिलहाल इस वक्त हम धर्मशाला मौजूद हैं और धर्मशाला में भी इस वक्त आसमान में काले बादल जो है वो छा चुके हैं, यानी कि कहा जा सकता है पिछले 2 दिन से मौसम इसी तरह बना हुआ है और देर रात को कई हिस्सों में बारिश भी हुई है और दूसरी तरफ जो बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो तपता हुआ तापमान था, यानी कि आसमान से गर्मी बरस रही थी, उस बरसती हुई गर्मी पर अब कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आ रही है, यानी कि तापमान में हल्की गिरावट आ चुकी है। जैसे जैसे बारिश होगी उसी तरह तापमान जो है वो घटता हुआ नजर आएगा और इस वक्त धर्मशाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो रही है, यानी कि पिछले कल भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, देर रात को भी बारिश हुई है और अब पूरे बारिश के आसार बने हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो जहाँ एक तरफ मुमताज ये बारिश आम लोगों के लिए राहत बन रही है तो वहीं दूसरी ओर बागवानों और किसानों के चेहरे जो है इस बारिश से खिल चुके हैं, क्योंकि मक्की और धान की फसल की बिजाई का काम चल रहा है तो ऐसे में जमीन को नमी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है और जो कमी जो है ये बारिश ही पूरा कर रही है, क्योंकि बहुत सारे जल स्रोत जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कूले टूटी पड़ी हैं या जो सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं वो खराब पड़ी हैं। तो ऐसे में अधिकतर किसान और बागवान जो हैं वो बारिश के पानी पर ही निर्भर हो चुके हैं। अब बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं किसान और बागवान भी खुश हैं, दूसरी तरफ जो पीने के पानी का संकट कई जगहों पर गहराया था उससे भी निजात मिल जाएगी और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि बारिश जो है वो तेज बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई गई हैं, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। मैदानी इलाकों में पानी की जो बारिश होती है उससे कहीं ना कहीं तो बचा जा सकता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो बारिश होती है उससे कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आती हैं या बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है यह जानकारी कितनी सटीक बैठती है और कितनी बारिश जो है इस बार होती है। मुमताज जी, मनोज, पिछली बार काफी तबाही मचाई मौसम की मार ने हिमाचल प्रदेश में और
काफी ज्यादा बर्बादी हुई हिमाचल प्रदेश में, जगह जगह आपदा के लिए राहत के लिए जो रकम भी जारी हुई थी उस पर भी खूब बयानबाजी हुई, सियासत भी खूब हुई। आप पिछले साल की सूरत हाल को देखते हुए क्या इस साल कोई इजाफी तैयारियां की गई हैं प्रशासन और सरकार की तरफ से? क्या पिछली बार से ज्यादा अलर्ट है इस बार सरकार और प्रशासन मौसम को देखते हुए? बिल्कुल मुमताज, देखिए बरसात का आगाज हो चुका है और दूसरी तरफ अगर हम जिला प्रशासन की बात करें या सरकार की बात करें तो जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको पहले ही आदेश जारी कर दिए हैं कि जब भी कोई आपदा आती है तो अलर्ट मोड पे रहना है। इससे पहले ही जो जिला प्रशासन है उसने पूरे विभागों को जो है वो नई मशीनरी भी खरीद कर दी है, नई मशीनरी विभागों ने खरीदी है और विभाग जो है अलर्ट मोड पर चले गए हैं। अगर कहीं लैंडस्लाइड होता है तो उस लैंडस्लाइड को हटाने के लिए जेसीबी की मशीनों की मदद ली जाएगी, साथ ही साथ अगर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होती है उसके मलबे को हटाने का भी काम जो है जेसीबी मशीनों के द्वारा किया जाएगा, साथ ही साथ जो विभाग के कर्मचारी हैं वो भी अलर्ट मोड पर चले गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है क्योंकि देखिए जब बारिश होती है तो पता नहीं चलता कि कितने प्रतिशत बारिश हो गई है, कहां बाढ़ आ गई है, अचानक से पता नहीं चलता है। तो ऐसे में सारे विभाग और जो संबंधित विभाग इनके साथ हैं उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है, पर प्रबंध जो है पहले से ही पुख्ता कर लिए गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम को बेहतरीन करने का प्रयास जो है इस बार जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि वाकई में जो पिछले साल आपदा आई थी वो काफ़ी भयंकर उसका उसने रूप धारण किया था, लेकिन हो सके कि इस बार बारिश ज़्यादा हो लेकिन आपदा ना आए, तो उम्मीद भी जताई जा रही है जिस हिसाब से बारिश की बात की जा रही है, क्योंकि बरसात में अक्सर देखा गया है कि लोगों के कच्चे मकान भी गिरते हैं, पहाड़ियों से लैंडस्लाइड होता है, सड़कें टूटती हैं, पुल बह जाते हैं, तो हो सकता है कि इस बार इतनी बारिश ना भी हो और आप बारिश अगर ज़्यादा होती भी है तो आपदा ना आए, ये भी हम दुआ करते हैं कि ज़्यादा आपदा ना आए और जो पिछले साल का मंजर बना था इस साल वो मंजर ना बने। लेकिन जो जिस तरह से मौसम विभाग सटीक जानकारी दे रहा है उसके मुताबिक ही बारिश हो रही है और बारिश जो है फिलहाल अभी शुरुआती बारिशें हैं ये बरसात की, आने वाले दिनों में बरसात तेज़ हो जाती है और उस वक्त जो है उस वक्त का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं डराने वाला होता है, लेकिन अब देखना होगा जिस हिसाब से मौसम विभाग ने जानकारी दी है वो कितना सटीक जानकारी है और कितना सटीक वो मौसम और बरसात होती है। मुमताज जी, आपने ठीक कहा मनोज, लेकिन बारिश को देखते हुए एहतियात बरतना भी ज़रूरी है, लोगों से अपील भी की गई प्रशासन की तरफ से, लेकिन हम भी चाहते हैं मनोज कि हम खबरें अभी तक के जरिए लोगों को बताएं कि किस तरह से संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को मनोज, कौन कौन से इलाकों में जाने से बचें, कौन कौन से जोन से जो सेंसिटिव माने जाते हैं बरसात के वक्त? बिल्कुल मुमताज़, देखिए काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर अक्सर लोग जो हैं वो नदी नालों में उतर जाते हैं और फंस जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बात कहूंगा कि अगर कोई पर्यटक बाहर से घूमने आता है तो पोंग डैम की तरफ ना जाए, ब्यास नदी के पास ना जाए और जो कांगड़ा जिले में बहने वाली बनेर खड्ड है, न्युगल नदी है, इन नदियों के पास बिल्कुल भी ना जाएँ और अगर जाते भी हैं तो इनके बीच में ना जाएँ, पानी से दूर ही रहें क्योंकि ये पहाड़ों से सटी हुई नदियाँ हैं और कब पहाड़ों पर बारिश हो जाए इसका अंदाज़ा तो आज दिन तक मौसम विभाग को भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब बारिश हो जाएगी। तो ऐसे में अचानक से जब बारिश होती है तो इन नदी नालों का जल स्तर बढ़ जाता है, तो इन नदी नालों से जो पर्यटक आ रहे हैं उनसे हम अपील करते हैं खबरें तक के माध्यम से, जो दर्शक हमें देख रहे हैं हम यही अपील करते हैं कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप नदी नालों के पास ना जाएं, अपनी जान को जोखिम में ना डालें क्योंकि कई बार सूचना मिल जाती है और कई बार सूचना नहीं मिलती जिससे कई लोगों ने अपनी इससे पहले भी जान गंवाई है। तो हम यही आग्रह आप लोगों से करते हैं कि नदी नालों के पास ना जाएं क्योंकि बरसात का मौसम है, बेशक आप घूमने आइए, घूमने के लिए हिमाचल आपका हमेशा स्वागत करता रहता है और इस मौसम में अक्सर जो बाहर के पर्यटक हैं वो यहाँ आएंगे क्योंकि अभी कुछ स्कूलों की छुट्टियां होंगी तो हिमाचल प्रदेश में ठंडी वादियां हैं, इनका दीदार करने और यहाँ का मौसम का लुत्फ उठाने के लिए वो आते हैं, तो उनसे भी वही हमारी गुजारिश रहेगी कि आप भी नदी नालों के पास ना जाएं और अपनी जान को जोखिम में बिल्कुल भी ना डालें। सही कहा मनोज आपने, मौसम का लुत्फ लें, नजारों का लुत्फ लें लेकिन जिंदगी के साथ ना खेलें, एहतियात बरतें। बेहद शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।